अगली खबर रुद्रपुर से है। हरिद्वार में कोरोना जांच घोटाले को लेकर आज कांग्रेसियों ने शहर के बांटा चौक पर राज्य सरकार का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जगदीश तनेजा ने कहा कि राज्य सरकार की शहर पर हरिद्वार में कोरोना जांच के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। उन्होंने कहा कि इस घोटाले में सत्ता पक्ष के बड़े नेता भी लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की नीयत साफ है तो सरकार इस मामले की CBI जांच कराए। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन एजेंसियों के सहयोग से ये बड़ा घोटाला किया गया है उनके फोटो सत्ता पक्ष के बड़े नेताओं के साथ मौजूद है, जो सरकार के इस घोटाले में शामिल होने के पर्याप्त साक्ष्य हैं। वहीं उन्होंने रुद्रपुर में कुछ भाजपा नेताओं पर नजूल भूमि पर कब्जा करने के मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला। तनेजा ने कहा कि सत्ता के नशे में चूर कुछ भाजपा नेता रुद्रपुर की करोड़ों रुपए की नजूल भूमि पर कब्जा कर रहे हैं और सरकार मूकदर्शक बनी बैठी है। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस का दावा करने भाजपा सरकार खुद बड़े घोटालों में लिप्त है। उन्होंने जमकर सरकार को घेरा। वहीं पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष अरुण पांडे ने कहा कि भाजपा के पापों का घड़ा भर चुका है। उत्तराखंड से भाजपा की विदाई लगभग तय हो चुकी है। उन्होंने कहा कि एक घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं और सरकार असक्षम है। भाजपा के नेता प्रशासन के अधिकारियों पर दबाव बनाकर नजूल भूमि हड़पने का षड्यंत्र रच रहे हैं। पूर्व पालिका अध्यक्ष श्रीमती मीना शर्मा ने कहा कि धर्म नगरी हरिद्वार में जिस तरह कोरोना काल में करोड़ों रुपए का हेरफेर हुआ उसे भाजपा सरकार का असली चेहरा राज्य की जनता के सामने आ गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को इस घटना की CBI जांच करानी चाहिए। श्रीमती शर्मा ने कहा कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वहीं यूथ कांग्रेस के युवा नेता सौरभ बेहेड़ ने कहा कि भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, भाजपा आगामी विधानसभा चुनावों में सूबे से साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि BJP ने जिस तरह राज्य की जनता को धोखा दिया है उसकी भरपाई जनता भाजपा हरा कर करेगी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राज्य सरकार का पुतला दहन किया। न्यायिक जांच की मांग करते हैं। जो पैसा जो है हड़प गया, सरकार हड़प गई और अपने लोगों को हड़पवाए भी, जैसे कि देखा कि सत्ता महाराज भी क्या बोल रहे थे ना कि हमारे कार्यकर्ताओं को काम मिलना चाहिए, तो अपने कार्यकर्ताओं को दे दे के कोविड का काम और सारा पैसा हजम हो गया, जनता तक पहुंचा नहीं। ये मेरा कारण इसलिए पुतला दहन हुआ। और हमारे ये उत्तराखंड में जो है कुंभ में घोटाला हुआ उसकी जांच भी हम न्यायिक जांच कराने की मांग करते हैं। इसी के उपलक्ष्य में पुतला फूंका गया और इनके जो नेतागण हैं और मंत्रीगण हैं उनके आप बोल देख ही रहे हैं। अजय भट्ट जी हमारे सांसद हैं माननीय, वो आज तक कुंभ ये क्या कहते हैं कि कोविड में दिखाई नहीं दिए। कोविड के बाद आके कहा गया कि नहीं नहीं सबको जो है वो इंजेक्शन लगेंगे कोविड के, और क्या क्या कहा गया आप सुने ही हैं कि 42 सवालों से 18 के आह्वान पर आज हमने जो पुतला फूंका है। पिछले दिनों हरिद्वार में कोविड टेस्टिंग महामारी में कोविड टेस्टिंग के नाम पर खुली लूट हुई, उस लूट का जब खुलासा हुआ तो हम लोग उसकी मांग चाह रहे हैं कि उसकी CBI जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार अपने हरधर्मता पे है, मुख्यमंत्री कह रहे पहले वाले मुख्यमंत्री पे हुआ और ये मुख्यमंत्री अपनी जान छुड़ाने में पल्ला छोड़ रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उत्तराखंड सरकार मुख्यमंत्री चलाता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो लूट जनता के खून पसीने की कमाई को लूटा गया है उसको वापस लाने का काम भी मुख्यमंत्री को है। वो इसलिए नहीं कर पा रहे, जिस कंपनी को इन्होंने दिया था उसका ठेका, वो कंपनी के जितने पदाधिकारी या जितने भी उसके MD वगैरह हैं वो सब भाजपा के पदाधिकारी के साथ फोटो वायरल हो रही है। ये इसलिए उनको बचाने में लगे। हमारी मांग है उसकी CBI जांच हो और जनता के खून पसीने की कमाई को वापस सरकारी खाते में लाया जाए। दूसरा हमारे यहाँ पे एक और मामला है, जो यहाँ डबल इंजन की बात करते हैं और यहाँ पे रुद्रपुर शहर में नजूल भूमि की लूट हो रही है, उसमें सारे भाजपा के पदाधिकारी सम्मिलित हैं। पिछले दिनों फरवरी में मैंने मांग करी थी कि इस मामले को देखकर और सरकारी ज़मीन को मुक्त कराया जाए भूमाफियों से, लेकिन भूमाफियों में भाजपा के सारे लोग संलिप्त हैं। हमारी मांग है कि इसको भी जल्दी से जल्दी नजूल भूमि खाली कराया जाए और किसी काम में लगाया जाए जो जनता के काम आ सके। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार का पुतला दहन किया है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त और घोटाला मुक्त सरकार है, लेकिन उससे विपरीत जितना वो कह रहे हैं उसकी कथनी और करनी में अंतर है, उतने ही घोटाले हो रहे हैं और भ्रष्टाचार हो रहा है। हरिद्वार जैसी पवित्र जगह में वहाँ पर भी टेस्टिंग के नाम पर, कोविड टेस्टिंग के नाम पर घोटाले हुए हैं
और रुद्रपुर में भी नजूल भूमि की जगह जगह अतिक्रमण हो रहा है धर्म के नाम पर। तो हम कह रहे हैं कि जो चीज़ के लिए वहाँ पर है वही चीज़ बननी चाहिए और जो भी घोटाले हो रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए।